गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 विषय गणित अध्याय 12 बीजीय व्यंजक प्रश्नावली 12.1 पार्ट आपका है 1। आज से आपकी ये मैं नई एक्सरसाइज शुरू करा रहा हूँ। अब ये है आपका बीजगणित का। अब यहाँ पर आपको संख्याओं को सिर्फ साइन करके बताना है कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट दिया हुआ है कि संख्या वाई में से जेड को घटाना, तो वाई में से जेड को घटाना, ठीक है, सिर्फ साइन करके बताना है। संख्या एक्स और वाई को योग का आधा करना, एक्स और वाई का योग उसको फिर आधा करना, ठीक है। सिर्फ आपको क्वेश्चन को पढ़ के उसमें से आपको सोल्यूशन करना है, ठीक है। ऐसी आपका थर्ड है, जेड को स्वयं उसी से गुणा किया, यानी कि जेड को जेड से गुणा करना, तो जेड गुणा जेड, तो जेड स्क्वायर, ठीक है। बस जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है वैसे वैसे आपको करना है। संख्याओं P और Q के गुणनफल का, P और Q के गुणनफल का एक चौथाई, ठीक है, एक चौथाई करना, तो यानी कि 1/4 पी क्यू, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करने हैं, तो बाकी आप अपने आप कर लेंगे, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित व्यंजकों में पदों को उनके गुणनखंड को छाटिए और पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेख में दर्शाइए। जैसे ए पार्ट है आपका x माइनस 3, तो अब हम इसको करते हैं x माइनस 3, तो x अलग हो जाएगा आपका, माइनस 3 अलग, तो इनको अलग अलग करके दिखाना है। जैसे बी पार्ट है आपका 1 प्लस एक्स प्लस एक्स की पावर 3, तो इसको जब हम खोलेंगे तो एक्स 1 प्लस एक्स प्लस एक्स की 3, तो पहले आपका 1 आ गया, फिर आपका एक्स आ गया, फिर आपका एक्स की 3 आ गया। अब इस एक्स की 3 को फिर खोल देंगे, एक्स एक्स एक्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको करके दिखाना है। एक और मैं आपको करके दिखा देता हूँ, सी y माइनस वाई की 3, y माइनस वाई की 3, तो इसको जब हम करके दिखाएंगे y माइनस वाई की 3, तो y माइनस वाई की 3, इसको जब खोलेंगे माइनस वाई माइनस वाई माइनस वाई, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करके दिखाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसका सेकंड पार्ट है, नीचे दिए गए व्यंजकों में पद और गुणनखंड को छांटिए, तो इसको भी इस तरीके से ही आपको करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था, अब ये आपका सेकंड पार्ट है। इसमें संख्या आपको दे रखी है -4x प्लस 5, तो जब हम इसको करेंगे तो बहुत ध्यान से देखेंगे इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 2 की ही तरह है। तो एक तरफ आप लिखेंगे व्यंजक, ठीक है, एक तरफ लिखेंगे आप पद और एक तरफ लिखेंगे गुणनखंड, तो इसके 3 पार्ट बनाएंगे हम व्यंजक। जैसे ए पार्ट मैंने आपको उतारा था सेकंड का -4x + 5, ये व्यंजक है। तो अगर हम इसका पद करते हैं
तो पद को जब हम अलग करेंगे तो माइनस चार एक्स प्लस पाँच, ठीक है, तो ये पद हो गए हैं। अब इनके गुणनखंड जब हम करेंगे तो माइनस चार एक्स और पाँच, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करते चले जाएंगे। जैसे इसका बी पार्ट है, ये ए पार्ट वाला मैंने कराया, ऐसे बी पार्ट है आपका माइनस चार एक्स प्लस पाँच वाई। अब इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो माइनस चार एक्स और पाँच वाई, ठीक है। अब इसके गुणनखंड कर दो, गुणनखंड में बिल्कुल अलग, चार एक्स पाँच वाई, ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करने हैं। तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ध्यान से करेंगे तो सब आराम से होता चला जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी तरीके से करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके से आपको करना है, अलग अलग छांटना है कि इसमें किसका गुणनखंड किसका है, यानी कि वे पद पहचानिए जिनमें एक्स है और जिनमें एक्स का गुणांक है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक ये आपको कंप्लीट करना है, 1-2 मैंने ये आपको करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। आगे के क्वेश्चन भी आप करके देख सकते हैं, लेकिन पहले आपको ये 3 तक तो बिल्कुल कंप्लीट करने हैं, ठीक है। आगे के चैप्टर, आगे की एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगा। थैंक यू। तो इसी में थोड़ा सा मैं और आगे का विस्तार आपको करके बता देता हूँ, जो आप इसे ध्यान से देखना इसको, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप इसे। अब इसके जो आगे की है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सेम इसी तरीके से आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है कि वे पद पहचानिए जिनमें x है और फिर इनमें x का गुणांक, जिनमें x है और फिर उनमें x का गुणांक। तो हम इसमें भी आपको इसी तरीके से आपको एक टेबल बनानी है, तो टेबल बना के मैं आपको समझा रहा हूँ इसको कि किस तरह से इसको करना है। तो पहले आप लिखेंगे व्यंजक, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे गुणनखंड, गुणनखंड एक्स वाला, और इसके बाद एक्स का गुणनखंड, एक्स का गुणनखंड, ठीक है। तो 3 ये व्यंजक बनाने हैं। तो हम देखते हैं पहला, तो पहले वाले में आपका है व्यंजक y की 2, तो ये फोर्थ का a पार्ट है, ठीक है, तो इसमें है y की 2x, y की 2x प्लस y। अब x में क्या है, x वाला गुणनखंड, x वाला गुणनखंड है आपका y की 2x, इसमें x लिखा हुआ है, ठीक है, और x का गुणनखंड क्या है, y की 2, क्योंकि x के साथ किसकी गुणा हो रही है, y की 2 की, क्लियर है। ऐसे ही आपका सेकंड वाला है 13y की 2 माइनस 13y की 2 माइनस 8yx। अब यहां पर गुणनखंड x वाला कौन सा है आपका, माइनस 8yx, x इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर है, तो 8yx। तो अब गुणनखंड क्या है इसमें आपका, माइनस 8y, क्लियर है। तो इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है x प्लस वाई प्लस 2, x प्लस वाई प्लस 2। अब इसमें x के साथ कौन सी संख्या है, तो x वाला गुणनखंड क्या है यहाँ, x, इसके साथ कोई संख्या नहीं है, जिसके साथ कोई संख्या नहीं होगी वहां आपका 1 माना जाएगा,
क्लियर है। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज मैंने आपको कराई है। अब इसका फोर्थ का ए, ऐसे इसका फोर्थ का बी पार्ट सेम इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन बी पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ध्यान से आप इसे करेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पद लिखने की, एक है, दो है या तीन है, अगर चिन्ह नहीं लगा हुआ कोई भी, खाली तो एक माना जाएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, 4y-7z, 4y-7z। तो अब इसमें चिन्ह यहां आ रहा है, तो ये एक और ये दो, तो ये आपका द्विपद हो गए, ठीक है। ऐसे अगर इसमें एक साइन और लग गया तो ये त्रिपद हो गए। तो इस तरह से आपको सिर्फ लिखना है कि एक पद है या दो पद है, क्लियर है। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से करेंगे। अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको समझा दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको अपने आप स्वयं करने हैं। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 12, ठीक है, यानी कि चैप्टर 12 और प्रश्नावली 12.1, तो ये आपकी यहाँ कंप्लीट है। तो आप इसको कॉपी में करेंगे, जो क्वेश्चन मैंने छुड़वाए हैं वो आप स्वयं करेंगे अपने आप, ठीक है। थैंक यू।